महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के स्थिर मन गणेश के पास स्थित सिंहेश्वर महादेव 84 महादेवों में 55वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पार्वती ने शिवजी की प्राप्ति के लिए महान तप किया, उससे तीनों लोग कांप उठे। तब ब्रह्मा जी पार्वती के पास गए और पूछा कि पुत्री तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती ने अपनी इच्छा बतलाते हुए कहा कि मैं काली हूँ और शिवजी गोरवर्ण हैं, उनसे मेरा विवाह कैसे हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा शरीर गोरवर्ण हो जाएगा और शिवजी से भी शीघ्र विवाह होगा। तब क्रुद्ध पार्वती के मुँह से एक सिंह प्रकट हुआ। सिंह भूखा था, उसने पार्वती की ओर उन्हें खाने की दृष्टि से देखा, परंतु उनके तप के तेज से वह दूर चला गया। तब पार्वती जी को दया आ गई और सिंह के लिए उनके स्तन से दूध उत्पन्न हो गया, परंतु सिंह ने कहा कि माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, फिर भी मैंने तुम्हें खाने की इच्छा की, इसलिए मैं पाप का भागी हूँ। तब पार्वती ने कहा, पुत्र, तुम पाप के विनाश के लिए महाकाल वन में जाओ। वहाँ अंधकासुर को मारने के लिए शिवजी ने सिंह नाद किया था, उससे कंटेश्वर उत्पन्न हुए थे। उनके पास एक लिंग है, उसकी पूजा करो। तब वह कंटेश्वर के पास स्थित लिंग के पास गया, उसके दर्शन से वह दिव्य शरीर वाला हो गया। पार्वती भी पुत्र प्रेम में वहां गई, उसने उस लिंग का नाम सिंहेश्वर रखा। तब ब्रह्मा जी वहां आए, उन्होंने कहा यह सिंह पार्वती का वाहन होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, पार्वती को भी गौर शरीर प्राप्त हो गया। सिंहेश्वर के दर्शन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।